प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 65वें भाग में एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि पिछली बार जब मैंने आपसे मन की बात की थी तब यात्री ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, हवाई सेवा बंद थी। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है, फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। देश में सबसे सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ी जा रही है। हमारी जनसंख्या कई देशों से ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना पे काबू रहा, उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना अन्य देशों में फैला। देश ने सेवा और त्याग हमारे आदर्श हैं ये दिखा दिया। दूसरों की सेवा में लगे व्यक्ति की जीवन में तनाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 65वें भाग में ये सब कहा। साथ ही कहा कि मास्क पहनने में जरा भी ढील ना बरतें। देशवासी आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। संकट की घड़ी में लोग नए तरीके इजाद कर रहे हैं।